तो गाइस आज हम आए हैं बहुत ही स्पेशल जगह, और ये जगह है भीनमाल जालौर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, और इस जगह का नाम है सुंदा पर्वत। ये है सुंदा पर्वत दोस्तों। सुंदा पर्वत जो है वहाँ पर स्थित है सुंदा माँ का मंदिर, और ये लगभग दोस्तों बहुत ही पुराना है। हम कहें तो लगभग माना जाता है 900 वर्ष पुराना। तो सबसे पहले हम जो है गाड़ी को एक पार्किंग वाले स्थान पर पार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर है पूरी पार्किंग, हमने पार्क कर दी है दोस्तों गाड़ी। अब चलिए हम आपको पूरा जो सुंदा पर्वत है और सुंदा माता जी के दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले ये बाहर का है पार्किंग के पास का नज़ारा है। ये गुजरात साइड जो है वहाँ से झीला मतलब गुजरात की सीमा लगती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जो दर्शन वाले आते हैं वो गुजरात के आते हैं। ये देखिए जितने भी आपको ज़्यादातर गाड़ियाँ दिखेगी ये सभी गुजरात नंबर प्लेट की दिखेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जगह पार्किंग करने की सुविधा है, आप चाहे तो कहीं पर भी पार्क कर सकते हैं गाड़ी को। फिर ये बसें भी आती है टूर एंड ट्रेवल्स वाली। यहाँ पर खाने पीने की भी सुविधा है दोस्तों। यहाँ पर पूरा मतलब अगर आप चाहे तो भोजन अंदर भी मिलता है, वहाँ पर भी आप भोजन कर सकते हैं। तो चलिए सुंदा पर्वत के बारे में बताते हैं। तो सुंदा माता जी का जो मंदिर है लगभग 900 वर्ष पुराना है, और ये जो है मंदिर भीनमाल जालौर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम बात करें सुंदा माता, तो सुंदा जो माता जी का मंदिर है ये राजस्थान का पहला रोपवे है दोस्तों। राजस्थान का पहला रोपवे है सुंदा पर्वत। बाकी तीन चार रोपवे हैं, बाकी ये पहला सबसे पहला राजस्थान का रोपवे है सुंदा पर्वत। और सुंदा माता जी का ये जो मंदिर है 850 मीटर की ऊंचाई पर एक पर्वत पर स्थित है, जहाँ पर आप रोप वे कहा जाता है ना वो स्लाइड नहीं चलती जैसे आकाश गगन कुछ कहा जाता है दोस्तों, हिंडोला या फिर डोलर हिंडा ऐसे कुछ कहा जाता है। वो केबल वाली जो तार पर चलती रहती है हिंडोला डोलर हिंडा, उसका आप टिकट कटाकर ऊपर जा सकते हैं और वापस टिकट रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पर ये अंदर आ चुके हैं दोस्तों हम, और यहाँ पर पूरा जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, हरियाली भी बहुत है। वो सामने आपको मुख्य दरवाज़ा दिख रहा होगा, इसी से हम अंदर जाएंगे। और फिर आप दो रास्ते हैं, या तो केबल से जा सकते हैं या आपको चढ़ाई करनी है तो सीधी सीधी जो पंगते हैं जो कह सकते हैं हम सीढ़ियाँ हैं उसके द्वारा हम सीधे माता जी के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऊँचाई है दोस्तों बहुत ज़्यादा है, जैसे हम कहें तो वैष्णो देवी की जितनी ऊँचाई होती है उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन हे वैष्णो देवी की जितनी चढ़ाई होती है उतना टाइम तो नहीं लगता है दोस्तों, लगभग 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं दोस्तों चढ़ाई करने में, पैदल चढ़ने में 3-4 घंटे। और यहीं पर अभी नई मूर्ति का अनावरण भी होने वाला है, ये हम गए थे जब तक नहीं थी इसलिए यह अभी बंद थी, अब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम जो है मुख्य द्वार से अंदर की तरफ चलेंगे, और यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन है कि आपको यहाँ पर किसी भी पौधे की फूल पत्ती नहीं तोड़नी है, और चाहे तो आप जैसे वैष्णो देवी के नहीं होता है कि आप घोड़े यहाँ पर घोड़े खच्चर की तो नहीं, लेकिन पालकी की सुविधा है। पालकी द्वारा लगभग कहें तो 500-550 रुपये लिए जाते हैं पालकी से ऊपर और नीचे चढ़ाने उतारने के लिए, तो आप जा सकते हैं। तो दोस्तों हम अब अंदर की ओर आ चुके हैं, अंदर भी आप देख सकते हैं नज़ारा, और पीछे है ना एक रेगिस्तान भी बना हुआ है उसकी वीडियो अभी हम जाएंगे। आपने नहीं देखी है तो आप अभी बेल आइकन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके, हमने बनाया था कि हम जो है बहुत बड़े रेगिस्तान में आए, वही यहाँ पर भोजनशाला भी बनी हुई है, तो वो वीडियो आप देखना ना भूलें। भोजन यहाँ पर जो भोजन है मात्र 8 या 10 रुपये में आपको भोजन मिल जाएगा। ऐसी ही सीढ़ियाँ जो है दोस्तों, ये तो शुरुआती सीढ़ियाँ है लेकिन ऐसी सीढ़ियाँ आपको पूरी चढ़नी पड़ सकती है। और यहाँ पर जो टिकट है वो अप टू डाउन यानी ऊपर और नीचे जाने का जो टिकट है वो आपको 135 रुपये है, और अगर केवल ऊपर जाना है तो 110 रुपये है। तो चलिए हम जो है रोपवे की तरफ चढ़ चुके हैं, रोपवे की तरफ आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा, टिकट खरीद लिया है दोस्तों, अब हम इसके अंदर बैठेंगे। ये स्लाइडें आने वाली है, फिर इस केबल जो तार वाली स्लाइड है उसमें बैठेंगे। तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं, अब देखिए आप पहाड़ के नज़ारे का पूरा आनंद लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी है दोस्तों, ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, और ये धीरे धीरे चढ़ती है दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा। पीछे भी नज़ारा देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा, और पीछे एक रेगिस्तान है उसकी तरफ भी चलेंगे। यहाँ पर बाजार भी है ऊपर, आप चाहे तो कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। ये देखिए सीढ़ियों का अलग रास्ता है और केबल लाइन का अलग रास्ता है। आगे बात करें तो ये जो सुंदर माता जी का मंदिर है ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ये कहें तो इसकी स्थापत्य कला की बात करें तो दोस्तों ये है ना सेम आबू का जो देलवाड़ा जैन मंदिर है उसी की तरह सेम बना हुआ है। देलवाड़ा जैन मंदिर से इसका मतलब
जो स्थापत्य कला है उससे संबंधित है, मतलब देलवाड़ा जैन मंदिर है ऐसी की इसी डिज़ाइन आपको सुंदर माता के मंदिर की सेम जो सफ़ेद मार्बल है वही इस यहाँ पर लगाए गए, यानी सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया। मंदिर में माँ चामुंडा की प्रतिमा है और यहाँ पर पर्वतों में कई धर्मशालाएं हैं जहाँ पर आप ठहर सकते हैं, अलग अलग समाज के अलग अलग समाजों की जो धर्मशालाएं हैं वहाँ पर आप ठहर सकते हैं। हिंदू, रेबी, रेबारी, अलग अलग जाति के जो लोग हैं इन सभी की धर्मशालाएं बनाई होगी, लगभग 85 धर्मशालाएं होगी दोस्तों, 50-60 धर्मशालाएं। नीचे गहरीखाई भी है, ये देखिए झरने टाइप चलती रहती है, यहाँ पे थोड़ा डर भी लग सकता है इसलिए आप सावधानी से बैठे दोस्तों, कहीं ऐसे नहीं हो कि आप दूसरों का ध्यान रख रहे हैं और वीडियो बनाने के चक्कर में आपका फ़ोन नीचे गिर जाए, तो ऐसी गलती ना करें, आराम से बैठे रहें। ये बहुत ही मैंने टेक्निक से वीडियो ली दोस्तों, मैंने क्या किया फ़ोन को दोनों हाथों से पकड़ा फिर ऐसे वीडियो बनाई है, ऐसा आप करने की कोशिश ना करें, एक हाथ से फ़ोन को ना पकड़े दोस्तों। अब हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं और स्लाइड हम उतर चुके हैं दोस्तों, ये देखिए कैसे चक्कर चलते हैं, कैसे केबल जो है आगे आती है, यह बाहर जाने का रास्ता है। तो चलिए दोस्तों अब बाहर की तरफ चलेंगे, ये देखिए पूरा जो है पर्वतों पर, ये जो पूरा है पर्वतों को काट काट कर ये बनाया गया है। जैसे हमने कहा था 135 रुपये में आप ऊपर जाके नीचे आ सकते हैं, अगर आपको केवल ऊपर जाना है तो 110 रुपये और नीचे आने के अलग से 100 रुपये हैं। अगर आप एक ही टिकट खरीदेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों आने गया। तो अब हमें थोड़ा पैदल चलना होगा, अगर आप पालकी ले लेते हैं तो पालकी में आपको यहाँ से भी जो है पहले तो वहाँ तक आपको केबल तक बिठाया जाएगा, फिर केबल से जो है यहाँ तक आपको ले जाएगा। और ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी जानवर है यानी बंदर है या कोई भी ऐसे आपको जंगली जानवर दिखे, जैसे ये बंदर है, तो इनके साथ ऐसे छेड़छाड़ न करें दोस्तों, जैसे ये हमला भी कर सकते हैं या आपका फ़ोन छीन के भी भाग सकते हैं, तो इनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश ना करें, आपको आक्रमण भी कर सकते हैं दोस्तों, आप हर थोड़ा क्रोधित होकर आक्रमण कर सकते हैं, तो इनको छेड़े नहीं। और यहाँ से पूरा जो बंदरों का मतलब कहे तो इलाका शुरू होता है, तो आप देखते जाइए आगे। और नौ देवियों का नवग्रह मंदिर, बहुत सारे ऐसे मंदिर रहेंगे छोटे बड़े मंदिर, जैसे वैष्णो देवी नहीं होता है कि भैरू जी का मंदिर आया, फिर और मंदिर ऐसे ही सेम वैष्णो देवी का जो मंदिर है ऐसा ही मंदिर, इसलिए मैंने दोस्तों लिखा है सेम राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर। क्यों लिखा दोस्तों राजस्थान, क्योंकि ये सेम वैष्णो देवी जैसा ही मंदिर और राजस्थान का पहला रोप वे भी है, ये है नौ देवियों का मंदिर, नौ देवी मंदिर है। अब आगे चलेंगे तो ये देखिए खजूर के पेड़ आ गए, यहाँ पर भी आपको बंदर देखने को मिलेंगे, बंदर मस्ती करते हुए, यहाँ से आपको सारी दुकानें चाहे आप कोई भी सामान खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, यहाँ पर जैन धर्मशाला अलग अलग समाजों की धर्मशाला देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं, जब तक आप देखते जाइए, जैसे ये जैन समाज की धर्मशाला है, फिर यहाँ पर और ऐसे ही आपको बहुत सारी धर्मशालाएँ देखने को मिल जाएगी। ये देखिए बंदर भी आ चुके हैं दोस्तों, वीडियो इसका मत करिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाली है दोस्तों आपको इस वीडियो में, तो वीडियो बिल्कुल इसका मत करिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो ये देखिए बंदरों के बच्चे भी दिख रहे होंगे, यहाँ पर मोर भी है, और ज़्यादा भी ऐसे नहीं दोस्तों, इनको हाथ हाथ मिलाने के उसमें यहाँ पे फोटोशूट भी करा सकते हैं, हाथ हाथ मत मिलाएगा दोस्तों, बनाए चपेट मार गए तो भाग जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा, लाल लाल हो जाएगा आपका गाल, इसलिए इनसे ज़्यादा दोस्ती करने की भी कोशिश ना करें, ऐसे नहीं हो कि आपके पीछे ही पड़ जाए। ये गाय भी है, अब दोस्तों बताइए गाय कैसे खड़ी होगी इस पर पहाड़ पर गाय, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रहने वाले जो होते हैं ये दुकान वाले ऐसे नहीं है कि बार बार ऊपर नीचे चढ़ेंगे, ये यहीं पर रहते हैं, यहीं पर इनका बसेरा है, और यहाँ पर बंदर आ जाते हैं कभी कभी, इनके सामान को जो है तोड़ देते हैं, तो थोड़ा डर भी रहता है दोस्तों, लेकिन इनका रोजाना ही है तो इनको डर नहीं लगता है, ये भगवान समझ के इनको खिला वेला खिला देते हैं, भोजन खिला देते हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते दोस्तों, बस इनको छेड़िए नहीं, ये भी हमारी तरह ही एक है, इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है दोस्तों। ये और धर्मशाला आ चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज की ये धर्मशाला, और सामने आपको ये जो रेगिस्तान है दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप जो थंबनेल मतलब क्या कहें उसको, जो आपको आई बटन दिख रहा है या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा वहाँ से, या आप यूट्यूब चैनल में जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है बहुत बड़ा रेगिस्तान थंबनेल लग गया हो दोस्तों, उस वीडियो को देखना ना भूले। ये एक हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर भी है, हनुमान जी मंदिर भी है, विष्णु मंदिर है, अलग अलग तरह के, जब आप रास्ते में, तो रास्ता थोड़ा लंबा है, जिन बुजुर्गों को चलने में दिक्कत आती है या फिर कोई बुजुर्ग है जो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जिनको श्वास की दिक्कत रहती है, उनको आप नए एक राय दो तो पालकी की व्यवस्था ही करवाएं, थोड़ा पैसा लगेगा दोस्तों, लेकिन पालकी से क्या होगा, दो व्यक्ति आते हैं जो पूरा आपको नीचे से पहले ऊपर ले जाएंगे, पूरे मंदिर के दर्शन करवाकर फिर वापस मंदिर के दर्शन के पश्चात वो वहीं तक रुकेंगे, जब तक आप दर्शन कर लेंगे आराम से, फिर वापस वो पालकी को नीचे लाएंगे, ये आपकी गारंटी है, फिर आप उनको पैसा दीजिए, पहले पैसा मत दीजिएगा,
कोई गारंटी नहीं है कि वो कब छोड़ के कहीं पर चले जाए। बाकी ऐसा नहीं होता दोस्तों, मंदिर में श्रद्धा होनी चाहिए। बस मंदिर में अगर श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान में श्रद्धा रखिए दोस्तों। ये देखिए और धर्मशाला ही देख सकते हैं आप, हरियाली भी बहुत सारी है। ऐसे यहाँ पर गंदगी नहीं है दोस्तों, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, पर्वत है, फिर भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। ये विष्णु मंदिर आ गया और यहाँ पर भी एक भोजनशाला है जो ऊपर बनी हुई है। नीचे भी भोजन कर सकते हैं अगर आप भोजन करना चाहते हैं, तो ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों मार्गों में आपको भोजनशाला देखने को मिलेगी। ये चादर लगाए गए ताकि बरसात से आपकी रक्षा हो, मतलब बारिश हो जो गीला ना हो आप, इसलिए यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है। ठंडा पानी भी देखने को मिल जाएगा। पैदल चलने में थोड़ी लंबा सफ़र है दोस्तों, 3-4 घंटे तो लगेंगे, लगभग आप तो मान लीजिए 5 घंटे तो लगेंगे। बच्चों के साथ है तो 5 घंटे का समय लगेगा। बोलिए आप चढ़ के देखिए, यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ है दोस्तों, टाइम भी लगता है। यहाँ पर ढोली भी बजता रहता है, ढोल बजाता है, और यहाँ पर गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में लिखा हुआ है ऊपर जाने का रास्ता। हाँ तो दोस्तों, आपको जो दीपक है वो केवल यहीं तक जलाना है, आगे आप दीपक जला नहीं सकते हैं। यहाँ तक आप चढ़ा सकते हैं क्योंकि यहीं से मुख्य मार्ग जाता है। केवल माताजी तक आपको नहीं ले जाना है दोस्तों, आप सीढ़ियों तक जला दीजिए, वहीं से आपकी जो ज्योत है माताजी तक पहुँचेगी। यहीं पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब माताजी की जो सुंदर माता है उनको अगटेश्वरी भी कहा जाता है। अगटेश्वरी का अर्थ होता है दोस्तों घट यानी धड़, जिनके मतलब जो शरीर है वो नहीं है, केवल सिर जो है उनकी पूजा, यानी माताजी जो सुंदर माताजी है उनके केवल सिर की ही पूजा की जाती है। ये ऐसा कुछ कहा जाता है दोस्तों। आ तो भी देखेंगे, आगे मंदिर चलेंगे और यहीं से जो है लास्ट हमें वीडियो बनाने दी जाती है। तो थोड़ा यहाँ पर आपको वीडियो नहीं बनाने दी जाती है, अंदर पुलिस वाले ले लेते हैं और यहाँ पर फोटोग्राफी करना मना है। यहाँ पर जो है गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रखी है। तो अब हम अंदर चलेंगे, थोड़ा जो वीडियो है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वीडियो नहीं बना दी जाती है, और यहाँ से आप जो है पूरा नज़ारा भी देख सकते हैं। अब हम सीढ़ियों के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर जो शिवलिंग है वो भी देख सकते हैं। ये देखिए दो अलग अलग प्रकार के शिवलिंग स्थापित है दोस्तों, और यहाँ से है मुख्य प्रवेश द्वार सुंदा माता जी के मंदिर का। तो थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, लेकिन आप टेंशन न लें, मैंने बहुत ही मुश्किल से दोस्तों सुंदा माता जी के मंदिर की जो वीडियो है वो बनाई है। तो लास्ट तक देखिए, और सुंदा माता जी के जो मंदिर के अंदर की जो मतलब कहे ना श्रृंगार की वीडियो वो भी मैंने यहाँ पर बनाई है, तो वो भी देखना ना भूले। अभी आप लास्ट तक देखते रहिए। तो ये देखिए बीच में एक सिंह जो है यहाँ पर स्थापित कर रखा है, सिंह की मूर्ति है, और साइड में छोटी छोटी और मूर्तियाँ हैं जो स्थापित कर रखी है। अब हम मंदिर के और अंदर चलेंगे, तो आप बस मंदिर में जो माता जी हैं उनके दर्शन करने के आनंद लीजिए। तो ये देखिए मंदिर की तरफ आ चुके दोस्तों, फोन जो है हमने वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत की। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं चांदी की जो मूर्तियाँ है ये स्थापित, ये मुख्य मूर्ति नहीं है दोस्तों, ये हमने दान पात्र में कैसे डाल दिए हैं, माता जी के दर्शन कर लिए हैं। अब मुख्य मूर्ति अभी आपको दिखाऊंगा कैसी है, तो देखिएगा। अब हम एक तो सामने, तो ये दूसरी मूर्ति है। अब मुख्य मूर्ति जो आप आगे बढ़ेंगे तो साइड में है, मुख्य मूर्ति कुछ ऐसे सीधे जाके फिर दायां मुड़ने पर आपको मुख्य मूर्ति दिखाई देगी। तो हम अब अंदर, यहाँ से आपको अंदर जाते ही मुख्य मूर्ति ये है दोस्तों, मुख्य मूर्ति सुंदर माता जी की मुख्य मूर्ति। देखिए यहाँ पर सुंदर माता जी की जो मैंने कहा था सिर की पूजा होती है, धड़ नहीं है, तो इसलिए अब हम बाहर निकल चुके हैं क्योंकि ज़्यादा रुकने नहीं दिया जाता। यहाँ पर बीच में आपको त्रिशूल दिखाई देगा और यहाँ से आप जो है सिंदूर लगा सकते हैं, तिलक कर सकते हैं। यहाँ बाहर तिलक की व्यवस्था है, यहाँ से आप कांच लगा हुआ उसके द्वारा आप लेकर तिलक कर सकते हैं। और अगर आपको बताएं तो जो देखिए पूरा मार्बल का जो है वो मंदिर बना हुआ है, ये पूरा आप देख सकते हैं बाहर का जो डिज़ाइन है। यहाँ से दो प्रवेश द्वार है दोस्तों, एक तो पुजारी जी के लिए अलग है और बाकी आम जो जनता है उनके लिए अलग रखा गया है। पुजारी जी जो अभी आपने मार्ग देखा दो सिंहों के बीच, ये देखिए ये केवल पुजारी जी यहाँ से प्रसाद भोजन जो भी होता है ये माता जी को अर्पित कर देते हैं, यानी प्रसाद जो है चढ़ावा माता जी के भेजा जाता है। और यहाँ पर आपको जो है त्रिशूल भी दिखाई देगा, ये देखिए और भगवान है जैसे ये शनिदेव जी जैसे कुछ है, हाँ ये भैरव जी है दोस्तों, ये देखिए भैरव जी है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा त्रिशूल भी है, स्वर्णिम त्रिशूल, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। अब हम जो है बाजार की तरफ, मैंने कहा था धर्मशालाएं बहुत है, तो यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं और बहुत सारे मंदिर भी है छोटे बड़े करके, ऐसे 10-11 मंदिर है दोस्तों, उनके भी दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ आए तो कुछ ना कुछ दर्शन तो कर ही लीजिएगा। ये देखिए सामने एक और मंदिर है, अलग अलग समाज के लोगों ने अलग अलग मंदिर बनाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, बस आप नहीं अब हम चल रहे हैं दोस्तों रेगिस्तान की तरफ, तो रेगिस्तान वाला वीडियो जो है देखना ना भूले। तो यहाँ से जो है रेगिस्तान की तरफ जो
थार का रेगिस्तान है, मतलब थार का तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत जो रेगिस्तानी इलाका है वो यहाँ से जाने का रास्ता है। तो यहाँ से चढ़कर फिर हमें बाजार की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आज के लिए बस इतनी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर भी भोजन की व्यवस्था दोस्तों, और ये ट्रस्ट का बना हुआ है, ट्रस्ट का कमरा बना हुआ है। यहाँ से जो है जितना भी मतलब ट्रस्ट कहते हैं ना, पर्ची कटानी हो माता जी के नाम की, तो यहाँ से आप माता जी के नाम की पर्ची कटा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर और भी दुकानें हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ से जो है रास्ता जाएगा और रेगिस्तान। यहाँ से तो बाजार का भी रास्ता और रेगिस्तान का, दोनों अलग अलग रास्ते। सीधे जाओगे तो आपको बाजार दिख जाएगा, और एक जैसे सीधा सीधा तो बाजार जाता है, और दाएं हाथ की तरफ जो है वो जाता है रेगिस्तान का दोस्तों इलाका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय माता दी।